एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या क्या गुण हाथ में होना चाहिए? सबसे पहले तो शुक्र का पर्वत हमें देखना चाहिए। बिल्कुल अच्छा बना हुआ है शुक्र का पर्वत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छा एक्टर ऐसा शुक्र बना सकता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी एक्टर के हाथ में, वो होती है एक लंबी सूर्य रेखा, जो इनकी नहीं है। और इस प्रकार अगर सूर्य रेखा वीक होके चल रही है, साथ में यहाँ पर ग्रहण भी लग गया है, तो ये कहा जाएगा कि ऐसे सूर्य को ठीक करना ही सबसे अच्छा रहेगा, एक्टर आप बन जाएंगे। ये दो क्वालिफिकेशन हाथ में ज़रूर होनी चाहिए। इसके उपरांत यदि गुरु का पर्वत अच्छा बना है, बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, तो ये भी इन योगों को बढ़ा देता है। अब इनको कमी यहाँ पर सूर्य पर्वत पर वाकई इनको कमी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर राहु का ग्रहण लग गया है। और भी जो चीज़ें हाथ में दिख रही हैं जहाँ पर हमें सुधार की आवश्यकता है, वो देखिए शनि का पर्वत। शनि का पर्वत दबा हुआ है और इस तरफ से बिल्कुल केंद्रित भाव से दब गया है। अब इस पर्वत पर थोड़ा सा और मैं फोकस करूं, देखिए एक पुरानी लाइन दिख रही थी। इस प्रकार कम से कम शनि पर्वत पर एक लाइन होना ही चाहिए, ये लक की लाइन होती है। हालांकि लक की लाइन हम यहाँ से भी मान लेते हैं, लेकिन जो शनि पर्वत पर लाइन है, एक्चुअल लक की लाइन वही होती है। अब ये लाइन इनकी मिट गई है और बहुत ज़्यादा फेड हो गई है, नीचे से आइलैंड भी बन गए हैं, शनि का पर्वत दब गया है। अब इस शनि के पर्वत पर कम से कम एक रेखा बन जाए तो इनका जो एक्टिंग का जो टैलेंट है उसे सही दिशा मिल जाएगी। तो शनि वीक जा रहे हैं, शनि पर्वत पे लाइन जब नहीं होती है ऊपर, तो नीचे की जो हमारी जो लक लाइन है, देखिए ये चंद्रमा से निकली हुई है और ये ऐसी लाइन बहुत अच्छा सहयोग देती है बाहरी लोगों का हमारे जीवन में। और सहयोग से सहयोग मिलता है, कारवा बन जाता है, दिशा मिल जाती है, उसके बाद सफलता को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अब यदि शनि का पर्वत गड़बड़ होगा तो यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये सीधे गड़बड़ हो गई है। शनि जब भी गड़बड़ होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि चंद्रमा गड़बड़ हो गए, भले ही कुंडली में शनि भगवान का और चंद्रमा का कोई सीधा संबंध ना भी बन रहा हो, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में जैसे ही शनि का पर्वत खराब हुआ कि चंद्रमा गड़बड़ हो जाते हैं। शनि चंद्रमा को उसी प्रकार पकड़ लेते हैं जैसे हम दौड़ते हुए खरगोश को पकड़कर उसको कान से उठा लेते हैं। तो इसलिए शनि अगर पीड़ित होंगे तो चंद्रमा पहले पीड़ित हो जाएगा, ये हस्तरेखा का मूलतः सिद्धांत है। और आप देखिए एक लक लाइन और भी चली है इनके केतु पर्वत से यहाँ से, और बीच में आके ख़त्म हो गई है, माइंड लाइन के पहले ही ख़त्म हो गई है। केतु पर्वत से जब भी कोई लाइन निकलती है, थोड़ा सा इसमें घुमाव भी हो रहा है, इस प्रकार घुमाव लेते हुए जब चलती है तो ये लाइफ लाइन के बहुत पास में होती है। ये ऐसी केतु की लक लाइन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बहुत कम आयु में ही व्यक्ति को दे देती है। इसमें जो आपके फैमिली वाले हैं, जो बंधु बांधव हैं, वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप बड़ा काम करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। तो अब देखिए शनि पर्वत गड़बड़ होने से इनकी दोनों लक लाइन वीक हो गई है, चंद्रमा हम सीधा कह सकते हैं कि गड़बड़ हो गए। यहाँ देखिए ये रहा दाग। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन की चंचलता, हमारे विचारों की शक्ति। एक एक्टर अगर बन रहा है, उसको जो स्क्रिप्ट दी जाती है, जिस प्रकार से वो डायलॉग बोलता है, विचारों को समेकित करता है और फिर उन विचारों की वाणी के द्वारा उसकी रवानगी करता है, चंद्रमा ये वाला पार्ट अदा करते हैं। तो चंद्रमा गड़बड़ हो गए हैं, योग में कमी कर गए हैं। और आप देखिए पहला मणिबंध इस प्रकार का खुल गया है और इतना बड़ा आइलैंड आ गया है। इस प्रकार पहला मणिबंध अगर खुल जाता है तो ये हमारे व्यक्तित्व को चोट पहुंचा देता है। हमारी जो आइडेंटिटी होती है, हमारी जो पहचान होती है, उससे हमें ये दूर कर देता है। हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते, अपनी क्षमताओं से बहुत दूर चले जाते हैं, भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं यदि पहला मणिबंध इस प्रकार हो जाए। दूसरा मणिबंध जो धन का है वो इनका वीक चल रहा है, बहुत वीक है। और फैमिली और सेक्स लाइफ वाला जो है तीसरा मणिबंध, ये इनका सुंदर बना है। तो धन पे हमें यहाँ पे काम करना होगा। मंगल अगर हम देखते हैं, जो हमें सीधी सफलता के देवता कहे जाते हैं, बहुत सुंदर इनकी मंगल लाइन बनी हुई है
और ऊपर तक चली गई है। यदि मंगल लाइन हमारी लाइफ लाइन को टच कर देती है, ये तो खैर उससे भी ऊपर चली गई है, ये सीधा मंगल दोष देती है, इसे अंगारक दोष भी कहते हैं, ये सीधा हाथ को अंगारक दिशा में ले जाती है। तो मंगल पे मंगल पर्वत इनका अच्छा बना है, लेकिन ये जो लाइन है मंगल लाइन, इनकी ये पीड़ित हो गई है। तो हमको एक अच्छे योग बनाने के लिए इसमें हमको शनि भगवान जो है इनका हमको रेमेडी करनी पड़ेगी। सूर्य एक्टर बनने के लिए तो करना ही पड़ेगा, और मंगल, जब भी सूर्य गड़बड़ हो जाते हैं तो बुध ग्रह इतने पास होते हैं सूर्य के अंतरिक्ष में और हाथ में भी बगल में बैठते हैं, तो अगर सूर्य पर्वत पे गड़बड़ होगी तो बुध भी गड़बड़ अपने आप हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर इनकी जो विवाह की रेखा है वो भी पूरी तरह बहुत छोटी है, बहुत कम ये क्षमता से चल रही है, बहुत छोटी लाइन है, और इस तरह विवाह की रेखा को पीड़ित भी माना जाएगा। बुध का पर्वत दब जाता है जब, जिस प्रकार ये दबा हुआ है देखिए, अगर ये दब जाता है इस प्रकार, लाइन इसकी बेस लाइन कट जाती है, तो हमारे जीवन में अच्छे योग, अच्छे लग्न, अच्छे शगुन ये समाप्त हो जाते हैं। बुध हमें इवेंटफुल लाइफ देता है। यदि किसी व्यक्ति का बहुत लंबा जीवन है और उसके जीवन में कहीं खुशियां, इवेंट, त्यौहार, उत्सव नहीं हो रहे हैं, तो जीवन नीरस भी हो जाता है, ये जिम्मेदारी बुध की होती है। तो सूर्य जब अच्छा होगा तो बुध भी अपने आप अच्छे हो जाएंगे। पूर्व पुण्य रेखा भी यहाँ से चली है और ये मंगल क्षेत्र से, आउटर मंगल से जा रही है, ये रेखा इनको हर जगह जीत दिलाने की क्षमता रखती है। कोर्ट कचहरी के मामले हो, दुश्मनों का हो, काम हो, तो इसमें सब ये दुश्मनों को भी हरा देती है। ये बहुत अच्छी रेखा कहा जाता है। यदि हाथ में पूर्व पुण्य रेखा बनी है और साथ में मंगल लाइन भी बनी है, व्यक्ति अपने शत्रुओं का दमन कर देता है, और ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं के लिए साक्षात यमराज भी होता है। तो ये दोनों योग इनके अच्छे बने हैं। केवल तीन जगह हमें काम करना है और मैं तीन रेमेडीज़ इनको दूंगा व्हाट्सएप पे, और आशा करता हूँ कि इनका भविष्य एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत सफलता को प्राप्त करे। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।